I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. नाइन फ्लोर से गिरा है ये। इस द केस ऑफ ए ड्रग ओवरडोज। उम्र क्या होगी इसकी? 21 साल का लौंडा है ये। एक्सीडेंट का केस दर्ज करा लो, नथिंग सीरियस। ये उठाओ, आप लोग लोड करो और ले जाओ मुर्दा घर। एक मिनट, प्रेस। थैंक यू। सुनील गुप्ता की मौत से आप लोगों को सबक लेना चाहिए। इसी कॉलेज में रहकर स्पोर्ट्स में उसने बहुत सारे मेडल जीते। अगर यह जहर उसकी जिंदगी में शामिल ना होता तो यकीनन वो अपने नाम को एक बड़ी पहचान देता। मैंने उसके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास देखा था। आज मैं उस सुनील को अपराधी मानता हूं। उसे कोई अधिकार नहीं था इस तरह अपने आप को खत्म करने का। आप सबका जीवन, सिर्फ आपका ही नहीं, आपके साथ जुड़े हुए आपके परिवार, समाज और राष्ट्र का भी है। आने वाले कल में आप सबको डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर और दूसरे जिम्मेदार पदों को संभालकर समाज और राष्ट्र की प्रगति में हिस्सा लेना है। यह भाषण सुनील गुप्ता की सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है सर। जो लोग इस मौत के धंधे से जुड़े हुए हैं उन्हें सजा होनी चाहिए। हम सुनील गुप्ता की मौत का हिसाब लेंगे, हम सब मिलकर मोर्चा निकालेंगे। हाँ हाँ, जब तक वो पकड़े नहीं जाते कॉलेज बंद रहेगा। कॉलेज बंद नहीं होगा। हड़ताल ही हर मसले का हल नहीं है। अपराधियों को ढूंढना और दंडित करना आपका नहीं, कानून और पुलिस का काम है। कौन है अपन के बीच में गद्दार? अपने माल का भाव बाहर किसने निकाला? अपन को अभी मालूम होना मांगता है इसी वक्त। बोलो, अपन प्रॉमिस करता है, अपन को सच सच बोलो, हम बात को आगे नहीं बढ़ने देगा, इधर से दफन कर देगा। बोलो, जोकर मुझे मिल गया है, गेम मैं ओपन करूंगा। जाने दो मोंटू अंकल, अपना ये सब साला आदमी लोग वफादार है। अगर इनमें से कोई चोर होता तो इनके चेहरे पर मौत का खौफ होता। साला हराम जादे की इकलौती औलाद कुत्ते की तरह घसीटता था सड़क पर जब मैंने और ताऊ ने उठाया तुझे और तूने हमारे साथी। भरत भाई, मैंने पैसे के लिए कुछ नहीं किया। अरे तेरा तो टोकन ही निकल गया नारायण। तू तो अच्छी तरह से जानता है कि हम लोग गद्दार के साथ क्या करते हैं। मुन्ना, इसे ताऊ तक पहुंचा दो, इसका कल्याण ताऊ करेगा। इसकी एक जवान बहन भी है, उसे नारी कल्याण केंद्र पहुंचा दो, इसका कल्याण हम करेंगे। गाड़ी क्यों रोकी? बिल्ली रास्ता काट गई सेठ। तो क्या हुआ? अच्छा नहीं होता सेठ। हट, सब अच्छा होता। चलो गाड़ी चलाओ, गाड़ी रोक, पीछे को देख। क्या देगा? बिल्ली मर गई सेठ। हाँ, सांप के काटे को धतूरा असर नहीं करता। बिल्ली ने सिर्फ रास्ता नहीं काटा, ताऊ का रास्ता काटा है। और ताऊ का रास्ता वही काटता है जिसकी मौत आई होती है। चलो
क्या है, क्या करने का है सेठ का काम बोल। मेरा आदमी है ना सेठ का पास घात करता है, भी निकल जा, बड़ी बहन रहती है, दोनी बन चल मेरा आदमी घर को नहीं आया। ए क्या रामायण सुना रही तू है, मर्द का नाम बोल। नारायण, इतनी जल्दी अपनी जिंदगी से उब गया, मेरे साथ गद्दारी, ताऊ के साथ गद्दारी। नहीं नहीं, मैं कसम खाता हूँ सेठ साहब, मैं कसम खाता हूँ, मैंने पैसे के लिए कुछ नहीं किया, वो लोग मेरे बच्चे को। साला कब से बच्चा बच्चा कर रहा है, क्या रे हमसे पूछ के पैदा किया था क्या? छोड़ दे लल्ला, तेरी आत्मा अब शरीर के बोझ से थक गई है, उसे नया शरीर चाहिए। मैं उसे मुक्त किए देता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चा। लल्ला जीता हूँ, इसकी मुंडी काटकर हमारे सब आदमियों को दिखाओ, ताकि हमारे बीच फिर कभी कोई नारायण बनने की जुर्रत ना करे। ठीक है ताऊ। मतलब उससे बात हुई? बहुत समझाया ताऊ, लेकिन 20 के ऊपर जाने को तैयार नहीं। लल्ला, जब तक भैंस के पुट्ठे पे हाथ ना रखो, वो थन ढीला नहीं छोड़ दी। मसूद से हमारी बैठक करवाओ। जी। बस प्रभु, बहुत हो गया, अब तो बहुत हो गया, मैं फिर से किसी की मृत्यु का कारण बन गया प्रभु। अब मैं इस पाप के बोझ को लेकर इस धरती पर नहीं जी सकता। हे प्रभु, तुम तो सबके पालनहार हो, तारणहार हो, मुझ पापी का उद्धार करो प्रभु, मुझे दंड दो प्रभु, मुझे दंड दो, मुझे दंड दो। रिवॉल्वर, इसमें गोली है, और ये रहा मेरा सर। मैं घोड़ा दबाता हूं, बाकी आप देख लेना। फिर बचा लिया ना आपने। अरे और कितने दिन इस मृत्यु लोक में फंसा कर रखोगे मुझे? मैं सब समझ रहा हूं प्रभु, सब कुछ समझ रहा हूं। आप चाहते हैं कि मैं इस मृत्यु लोक में जिंदा रहकर कुछ और लोगों का इसी प्रकार उद्धार करूं। ठीक है प्रभु, ठीक है। बस एक बात का ख्याल रखना, अपने इस कलयुग के रामायण में केवल रावण का ही साम्राज्य होगा, यहां कोई कौशल्या किसी राम को जन्म नहीं देगी। अंडरस्टैंड? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60, 60. अरे ये क्या कर रही हो, मेरी पीठ को टेबल समझ रखा है क्या? इन किताबों का बोझ तुम्हारा दिमाग तो उठा ही नहीं सकता, तो मैंने सोचा शायद पीठ उठा ले। क्या रोज सुबह लगे रहते हो, मसल वसल तो कुछ बनते हैं नहीं। भैया एक बात बताओ, इस हाथ से तुम
वहाँ पर तोड़ सकते हो क्या? शालू की बच्ची भैया छोड़ो, मुझे कॉलेज जाना है। मगर तेरा कॉलेज तो बंद है, तुझे जाना कहाँ है? पहले बाहर छोड़ो फिर बताती हूँ। चल छोड़ दी। हम लोग एक एंटी ड्रग मोर्चे में हिस्सा ले रहे हैं। पता है मोर्चे को लीड कौन कर रहा है? कौन? यूथ क्लब के प्रेसिडेंट भरत आचार्य। भरत आचार्य? भरत आचार्य, भरत आचार्य, भरत आचार्य, भरत आचार्य, भरत आचार्य। नमस्ते भरत जी, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट आपको फूल देना चाहती हैं। शुक्रिया शुक्रिया। भरत जी, हमारा कॉलेज हर कदम पे आपके साथ है। मुझे आपसे यही उम्मीद है। भरत जी, इतनी कम उम्र में आपने इतने अच्छे अच्छे काम कैसे कर लिए? ये नारी कल्याण केंद्र की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? घर की बाई से। जी मैं कुछ समझी नहीं। बेचारी जवानी के दिनों में विधवा हो गई थी, इसलिए मैंने सबसे पहले उसी का कल्याण कर दिया। तब से मेरे मन में नारी कल्याण की भावना भड़क उठी। ये बिल्डिंग बनाकर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा किया है। इस नए केंद्र के अंदर मैं और ज्यादा नारियों का कल्याण कर सकूंगा। मैं अपने देश की किसी भी नारी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं नहीं जाऊंगी, मेरे कहना, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तू नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? ये सब जाती ना, समझाती ना। अरे अगर तेरी वो भी जिंदा होती ना, वो भी, उसे भी भेजता था मैं, उसे भी भेजता था मैं। हट, ए, हाथ पीछे, कोई छोकर हाथ नहीं लगाएगी इस लड़की को। हमारे खास मेहमान आ रहे हैं, इसको खिलाओ, पिलाओ, नहलाओ और सजाओ। अरे तू मेरी गर्दन के साथ क्या कुश्ती कर रहा है? ये सीधी होने वाली नहीं है। देश विदेश के डॉक्टर इसे सीधा नहीं कर सके तो तू क्या करेगा? हट। शाबाश भतीजे, शाबाश। अब तो मिनिस्टर की कुर्सी तेरा इंतजार कर रही है। क्यों देशमुख साहब? क्यों नहीं ताऊ, तमाशेबाजी में तो भरत बाबू का जवाब नहीं। एक नेता वाली सारी खूबियां मौजूद हैं इनमें। होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। अरे देशमुख साहब, ये तो पैदाइशी नेता है। 15 अगस्त को सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ था। आजादी का दिन बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा था। उधर तालियों की आवाज और इधर इसके रोने की आवाज। अपना दायां हाथ उठाकर बार बार ऐसे उछाल रहा था। मैं समझ गया, नेता ही बनेगा। अब दिल्ली दूर नहीं था, बहुत जल्द मैं जनप्रिय नेता भरत आचार्य हो जाऊंगा। अरे असली कल्याण तो जनता का तब होगा जब कुर्सी मेरी नीचे होगी। सारी जनता का तो मैं टोकन ही निकाल दूंगा ताऊ। अरे मेरे इकलौते भतीजे, तेरी जीत तो इलेक्शन में खड़े होने से पहले ही हो जानी है। अभी तूने ताऊ की ताऊगिरी देखी कहाँ है? ये सब फोटो पांडे को भिजवा देता हूँ, कल सभी अखबारों में छप जाएगी। वाह वाह, ये वाह। हेलो ताऊ जी, प्रणाम ताऊ जी। क्यों? हाँ, तस्वीर मेरे हाथ में है। वाह क्या तस्वीर है, बिल्कुल महापुरुषों का तेज है भरत भाई के चेहरे पर। जी हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल फ्रंट पेज पे छाप रहा हूँ। शर्मिंदा कर रहे आप ताऊ जी। अखबार आपका है, हम आपके हैं। जी जो हुकुम। जी हाँ, प्रणाम ताऊ जी। अच्छा पांडे जी, तो मैं चलूं? कहाँ जा रही हैं आप? आपके लिए ठंडा मंगाया है, ठंडा पी के जाइए। मैं एक मिनट में आया, बस एक मिनट में आया। आपका काम हो जाएगा। हमारे संगठन को आपसे बड़ी आशाएं हैं पांडे जी। ओह क्या कहा आपने, आशाएं? आपको मुझसे आशाएं? हाँ। मुझे आपसे आशाएं हैं।
ये आशा आशा में ही रिश्ते पनपते हैं, रिश्तों और संबंधों में एक एक मधुरता सी आ जाती है। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी समझ को तो आप समझ ही गई होंगी। सर आपने बुलाया? ये क्या किया आपने? ये 7 लोगों के मौत की खबर आपने 15 लाइन में छाप दिया है? हम क्या कोई दुर्घटना विशेषांक निकाल रहे हैं? सर ये सब कॉलेज स्टूडेंट्स थे, एक हफ्ते में ये 7वीं मौत है और सब मौतें ट्रक से हुई है सर। तो 7 आदमी के मौत की खबर से हम अपना अखबार रंग दे? वाह, अरे भाई ड्रग से 7 लोग मरे हैं, कल बिल्डिंग गिरने से 15 लोग मर जाएंगे और 7 लोगों की मौत भूल जाएंगे। इस शहर में एक आदमी की मौत कोई मायने नहीं रखती और हम एक आदमी की मौत नहीं छापते, कोई सुसुरा छापता है? बताइए भला। देखिए सर ये कोई छोटी सी बात नहीं है, इस न्यूज के जरिए हम आप हमें एडिटोरियल सिखाएंगे। 7 आदमी की मौत 3 लाइन में छाप के लाइए और सुनिए, फ्रंट पेज में भरत आचार्य की तस्वीर छापिए। भाई एक आदमी समाज के लिए कुछ कर रहा है, समाज को कुछ दे रहा है, तो उसके लिए खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? यही छापिए इसे, ले जाइए जल्दी कीजिए। नव क्रांति, अच्छा मजाक बनाया क्रांति शब्द का। 7 लोगों की मौत इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, इसे छापिए उसे मत छापिए। जाने देना यार, मारता कौन है छापता कौन है इसे तुझे क्या, जैसा चलता है वैसा चलने दे। ज्यादा सोचेगा ना तो और प्रॉब्लम्स बढ़ेगी तेरी। अपना सोच सिर्फ अपना।